नमस्कार। बिग बॉस के सेट से वीकेंड के वार की सबसे बड़ी अपडेट, स्ट्रॉन्ग प्लेयर किस तरीके से गया, क्या गया, ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बिग बॉस के घर में प्लेज ली गई है। अभिषेक से लेकर ईशा, ईशा से लेकर अंकिता, अंकिता से लेकर मुनावर, मनारा, इन सब ने शपथ ली है। आइए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, मजेदार चैनल है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया, बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए, सो जरूर देखिएगा वो भी। आपको एंटरटेन तो यहाँ भी कर रहा हूँ, वहां पे भी कर रहा हूँ, सो या कीप वॉचिंग इट, सब्सक्राइब इट। अब बात करते हैं दोस्तों, अभिषेक और बाकी सब ने किस तरीके की प्लेज ली है। हम सबको पता है कि इस बार के सीजन में ये लोग बहुत गंदा रख रहे हैं घर। सीजन 13 में सलमान साहब एंट्री मारे थे पहली बार, फिर सीजन 14 में मारे, ठीक है, सलमान साहब ने एंट्री मारी और एंट्री मार के उन्होंने जो है घर की सफाई करी, वॉशरूम वॉशरूम ये सब क्लीन कर दिया था और घर वाले देखते रह गए थे। अब इस बार उन्होंने जो है डांट फटकार करके प्लेज खाई है कि हम जो है जो भी करेंगे सही करेंगे, साफ करेंगे। दरअसल यहाँ पे प्लेज इस बात की खाई जाती है कि काफी ज्यादा लोग गंदा रखते हैं घर को, उसी चक्कर में आप जो है घर को साफ रखने के लिए एक प्लेज ली है कि हम जो है घर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जितना मोदी जी ने शुरू किया है वो हम बिग बॉस के घर में भी रखेंगे। तो अभिषेक से लेकर मनारा, मनार से लेकर मुनावर, इन सब ने, तमाम बड़े 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 से बड़े कंटेस्टेंट्स ने जो है कसम खाई कि हम जो है घर की सफाई रखेंगे। ये प्लेज है, बहुत बड़ी प्लेज है और ये अच्छी बात है, इन लोगों को लेनी चाहिए क्योंकि ये जिस तरीके से गंदे तरीके से रहते हैं, बाप रे बाप, शी, मतलब कपड़े ऐसे बिखरे हुए हैं, खाने का ऐसा प्लेटफॉर्म में खुला पड़ा है और राशन अलग तरीके से बिखरा हुआ है इनके रूम में, प्लस कपड़ों की वो बाल्टी में किसी का कुछ गिर रहा है, किसी लड़कियों के इनर गारमेंट्स गिर रहे हैं, मुनव्वर की कंप्लेन थी कि उसके उसमें गिर रहे थे वो, तो इन सब के चक्कर में अच्छा इन्होंने इस तरीके की कसम खाई है। और ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टैली खजाना पे और कहीं भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा इस तरीके की अपडेट। दोस्तों वैसे आपको बता दूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था, लेकिन अब ये भी मायने रखता है कि इस चीज को ये लोग कितना अपनी सहूलियत के साथ चेंज ना कर दें, आप किस तरीके से ये लोग जो है इसको रखेंगे, राइट। मैं तो देखना चाहता हूँ कि अपनी प्लेज को वापस रखते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं या क्या। स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो आउट, राइट, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।